हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। फिर से आप सभी का मेरे चैनल कोचअप क्लासेस पर वेलकम। तो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक आपके जो क्लास एट्थ है ना उससे रिलेटेड है, ठीक है। और इस क्लास एट्थ का चैप्टर भी एट ही है, जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़। हिंदी में इसे बोलते हैं राशियों की तुलना। इसके अंदर आप परसेंट मतलब प्रतिशत, सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट मतलब सरल ब्याज, और थर्ड जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज। इस तीनों के बारे में आप इसमें पढ़ोगे, तो आपको इन सबसे रिलेटेड तीन चार वीडियोस में प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किससे क्या फाइंड करें, किससे क्या निकालें, किससे क्या करें। तो अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू बना रहे और सीखते जाए इन तीनों के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है भाई, परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब सिंपल सा है कि कोई भी नंबर है आपके पास, उसमें डिनोमिनेटर में मतलब नीचे की तरफ हर के अंदर आप 100 लिख दो किसी भी नंबर के नीचे, तो उस नंबर को एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, परसेंटेज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोर्ड पर बता देता हूँ मैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा आपके 25, ठीक है। अब इसके अपॉन में अगर क्या आ जाए भाई, इसके अपॉन में आ जाए 100, तो एक तरह से ये जो नंबर है ना, इस 100 को अगर हटाएंगे तो ये 25 के साथ क्या लग जाएगा, परसेंट लग जाएगा। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर 100 दिख जाए भाई, तो वो एक तरह से होता क्या है, वो होता है परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर में 100 होना ही परसेंटेज कहलाता है, ठीक है। तो परसेंटेज के बारे में आपने अभी समझा, तो अब आपका जो पहला क्वेश्चन है ना 8.1 से, उसमें यही है कि आपको परसेंटेज में नंबर को कन्वर्ट करना है। तो इसके मैं दो मेथड बताऊंगा आपको। जैसे कि फर्स्ट जो नंबर है आपका, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास 3:4 मतलब 3:4, ये आपको दे रखा है और इसके लिए बोला है कि इसका आपको परसेंटेज फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, परसेंटेज बनाना है। तो परसेंटेज बनाना है तो पहले ये जो रेशो में लिखा हुआ है अनुपात में, क्या इसको आप ऐसे अपॉन वाली शक्ल में लिख सकते हो ना, लिख दे भाई। अब मैंने अभी बताया कि परसेंटेज जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि उसके नीचे क्या दिख जाए, उसके नीचे 100 दिख जाए तो वो परसेंटेज होता है। लेकिन यहाँ नीचे 100 है क्या, 100 नहीं है, तो 100 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। एक बार बताओ इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, बताओ किससे मल्टीप्लाई करें। इसको शायद आप अगर 25 से मल्टीप्लाई करो तो 100 बन सकता है, बन सकता है ना। अब एक बात बताओ, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो बेचारा ये 3 का क्या कसूर, ये बुरा मानेगा नहीं मानेगा। तो इसको भी मनाने के लिए जो इसको दिया ना, वही इसको भी दे देंगे, मतलब 25 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये एक रूल होता है आपके पास, अगर फ्रैक्शन में आप कुछ चेंजेस करते हो, अगर नीचे आपने कुछ चेंज किया तो सेम चेंज ऊपर करना पड़ेगा। अगर आपने नीचे 1 ऐड किया तो ऊपर भी 1 ऐड करना पड़ेगा, आपने नीचे से 1 माइनस किया तो ऊपर भी 1 माइनस करेगा, आपने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी, तो सेम चीज़ दोनों में होना चाहिए, नहीं तो बुरा मान जाएगी फ्रैक्शन, ये इसका रूल होता है। अब देखो 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 75। अब एक बात बताओगे, बताओगे कि किसी भी नंबर के नीचे अगर क्या दिख जाए 100, तो वो एक क्या होता है, परसेंट। क्या इसके नीचे 100 है ना, तो मतलब ये एक क्या है, परसेंट है। तो 100 हटेगा तो क्या बनेगा भाई, परसेंट बनेगा। तो 3/4 जो था, 3/4 उसका परसेंट क्या बना, 75। ये तो एक मेथड है, लेकिन बाय चांस कुछ कुछ नंबर ऐसे आ जाते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 100 नहीं बनता। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ही क्या कर लो, उल्टा कर लो भाई। तो इसका उल्टा करूँगा तो 4 को पहले और 3 को बाद में लिखूँगा। अब इसका डिवाइड वाली फॉर्म लिखूँगा, अपॉन वाली फॉर्म, तो वो ऐसे बनेगी। अब एक बात बताओगे कि यहाँ पर इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, 3 को, क्या 3 को किसी एक ऐसे नंबर से आप इंटू कर सकते हो मल्टीप्लाई, जिससे 100 बन जाए। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे आप इसे इंटू करो और 100 बन जाए। तो अटक गई ना यहाँ पे पिक्चर, ये वाला
रूल फ्लॉप हो चुका है। तो इसके लिए दूसरा तरीका है, उससे आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन था ना 3/4, इसको परसेंटेज में बनाना है, तो सिंपल सा है, परसेंटेज में किसी को भी बनाओ। तो दूसरा तरीका ये है कि उसे 100 से इंटू कर दो, जो रिजल्ट मिलेगा वो परसेंटेज में लिख दो, आपका परसेंटेज में रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको किससे इंटू कर दूँ मैं, 100 से। अब एक बात बताओ, 4 से ये कट जाता है, 4 से पहले दो बार कट करेंगे तो 8 आएगा, 8 को इसमें से माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 इसके पास गया 0, फिर कट जाएगा ये 5 टाइम, तो जो आपके पास बचा वो 3, यहाँ क्या बचा भाई 25। इंटू करो तो देखा, क्या इंटू करने पर ही 75 आ रहा है। तो मतलब आपका एक तो ये तरीका परसेंट बनाने का और एक ये तरीका, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि किसी किसी में ऐसी कंडीशन आती है जिससे आप परसेंट नहीं बना सकते। अब इसको देखो, आप परसेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो देखो, परसेंट बनाने के लिए क्या करें, आपके पास जो 4/3 है ना, इसको परसेंट बनाना है, तो ये वाला तरीका यूज कर ले, किससे इंटू कर ले 100 से। अब देखो कट ही नहीं रहा है, निकट रहा है ना, तो कुछ भी नहीं, पहले इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा 400/3। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो इसकी परसेंटेज देखो कटेगा नहीं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसकी परसेंटेज लिखना है, वही आपका आंसर है। तो इसको कट करते हैं देखो, ऐसे 400/3, 3 1 3 माइनस किया कितना बचा 1, नीचे कौन आया 0, 3 3 9 माइनस करेंगे कितना आएगा भाई, माइनस करने पर कितना आएगा, माइनस करने पर आएगा आपके पास 1, फिर 3 3 9 माइनस करने पर 1, तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन जब आप बनाओगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा 133 कंप्लीट 1/3। ये आपका परसेंटेज में आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद इसका अलग क्वेश्चन लेते हैं एक और। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन लिया, आपके पास ऐसे कुछ नंबर देगा और उसके बाद इससे इसके लिए बोलेगा कि आपको इसका रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखो, इसको निकालने के लिए सबसे पहले किया क्या जाए, सबसे पहले देखा जाए कि दोनों में जो यूनिट लगी हुई है, मतलब इकाइयाँ, वो सेम है या नहीं है। देखो, इसमें किलोमीटर किलोमीटर हाँ मतलब सेम है, डायरेक्ट काम हो सकता है। यहाँ पर मीटर किलोमीटर अलग अलग है, काम एक साथ नहीं हो सकता डायरेक्ट। यहाँ पर पैसा है, यहाँ रुपीज़ है, दोनों में अलग अलग है, काम एक साथ नहीं हो सकता। तो पहले जो सेम है उसका कर लेते हैं, फिर उसके बाद जिसमें अलग अलग है उसको देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर इसको लेते हैं, तो इसमें एक काम करते हैं, पहले तो किलोमीटर में ना तो यूनिट हटा देंगे डायरेक्ट ही, इसका क्या लिखेंगे, रेशो। और रेशो का मतलब अभी मैंने बताया आपको, अनुपात का मतलब डिवाइड की शक्ल में लिखना, यूनिट डिवाइड में लिख दिया। अब डिवाइड का मतलब होता है इसको काट दो भाई, तो ये कट रहा है 5/3 और 5/6। अब देखो 3 से फिर कट गया, 3/1 और 3/2, तो जो रिजल्ट बचा वो बचा ऊपर तो 1, नीचे बचा 2। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, रेशो में बदलेंगे तो 1:2, यही आपका आंसर है। क्या बदला, नहीं बदला रेशो में। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखो यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है आपके पास मीटर और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें यूनिट को सेम करना पड़ेगा, और किसको सेम किया जाए, जो सेम होती है ना दोनों में, जो मतलब बड़ी होती है उसको आप हमेशा बदलोगे। बड़ा कौन है, मीटर के किलोमीटर, किलोमीटर बड़ा है तो किलोमीटर को आप पहले बदलोगे। तो एक बात बताओगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, अरे 1000 मीटर होते हैं या नहीं होते, होते हैं ना। तो एक बात बताओ, 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10 किलोमीटर में शायद 10,000 मीटर होंगे। अब देखो, ये भी मीटर, ये भी मीटर है, नहीं है तो बस कुछ भी ना, इसका रेशो लिखेंगे, तो ये लो 50:10,000। अब एक बात बताओ, इसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिखेंगे इसे, तो 50/ में क्या है 10,000, क्या 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से ये 2 टाइम, ये 0 टाइम, ये 0 टाइम, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब बचा 1 और नीचे क्या बचा 2 0 0, तो जो रिजल्ट मिलेगा रेशो में वो क्या मिलेगा 1:200। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 50 पैसे to 5 रुपीज़। अरे इसमें पैसे, इसमें रुपीज़, फिर से दोनों अलग अलग शक्ल के, मतलब दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। और सेम किसको बदलेंगे, सेम बनाने के लिए किसको बदलेंगे, जो बड़ा हो। क्या पैसे बड़े होते हैं, क्या रुपीज़, रुपीज़ बड़ा होता है ना, तो रुपीज़ को बदलेंगे। तो एक बात बताओ, 1 रुपीज़ में आपको पता है कितने पैसे होते हैं, 100, तो यहाँ लिखेंगे अपन 100 पैसे, ठीक है। तो एक बात बताओगे, यहाँ तो 50 पैसे और यहाँ पर 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, अरे 1 में 100 होते तो 5 में कितने होंगे, 500,
ठीक है, ये 500 पैसे। अब एक बताओ, दोनों में सेम सेम है क्या? तो दोनों में सेम सेम है तो इन दोनों का क्या लिखेंगे, रेशो। क्या लिखेंगे भाई? रेशो, ये लिखते हैं रेशो मतलब अनुपात। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्योंकि सेम आ गया तो डिवाइड में लिखेंगे ना, ये लो डिवाइड में लिख दे। क्या 0 से 0 कट गया, और 5 से ये एक बार, और 5 से 1 और 10, तो रिजल्ट क्या मिला, 1/10। और इसका जब रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1:10। यही आपका क्या है, आंसर। ठीक है, तो ये रेशियो में बदलने वाले क्वेश्चन भी हुए। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन लेते हैं। पास जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स। मतलब जो आपके पास टोटल 25 स्टूडेंट है, उसमें से 72% जो है वो मैथ्स में अच्छे हैं। अब आगे बोल रहा है वो, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथ्स, कितने ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ्स में अच्छे नहीं है। तो क्या करें, एक बात बताओ, टोटल तो आपको पता है 25 स्टूडेंट है, तो उसका 72% अगर आप निकाल लेते हो तो आपको कौन से स्टूडेंट मिल जाएंगे, गुड स्टूडेंट मिल जाएंगे, जो अच्छे होंगे पढ़ने में। फिर आपको जो अच्छे स्टूडेंट मिल जाएंगे, उन अच्छे स्टूडेंट को टोटल स्टूडेंट में से माइनस कर देना, तो जो बचे वो कौन से स्टूडेंट होंगे, जो अच्छे नहीं होंगे, किस में, मैथ्स में। तो ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको निकालना है गुड इन मैथ्स, तो मैथ्स में जो अच्छे हैं उन्हें निकालने के लिए क्या करें, आपको 72% निकालना है, किसका, 25 का। अब परसेंट निकालना आपको आता ही है, तो 72% एज इट इज। एक बात बताओ, परसेंट जब भी हटता है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या लगता है, 100, नीचे की तरफ 100 आ जाता है, और ऑफ हटेगा तो क्या लगेगा, मल्टीप्लाई का साइन, और इनटू में क्या लगेगा, 25। एक बात बताओगे, क्या 25 से ये कट जाएगा, 4 टाइम काट के देखें ना, 4 टाइम कट जाएगा, और 4 से ये कटेगा आपके पास 18 टाइम। तो आपके पास सब कुछ कट गया, बचा क्या, 18। तो ये 18 जो है भाई, ये क्या है, गुड है मैथ्स के अंदर, टोटल कितने में से, 25 में से, तो ये गुड आ गए। अब आपको चाहिए जो अच्छे नहीं है, तो नॉट गुड इन मैथ्स, जो मैथ्स में अच्छे नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास टोटल कितना है, 25, और गुड कितने हैं, 18, क्या इसको माइनस कर दें, तो आपके पास वो वाले स्टूडेंट बचे रह जाएंगे जो अच्छे नहीं है, तो माइनस करने पर 7 आ गया। तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स के अंदर अच्छे नहीं है। आगे क्वेश्चन समझ में, अब नया क्वेश्चन और लेते हैं एक और। यस, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास लिखा हुआ है, एक फुटबॉल टीम है जिसने 10 मैच जीते हैं। ठीक है, अब ये पता नहीं कि टोटल मैच कितने खेले, लेकिन उसने 10 मैच जीते हैं। इसके बाद उसने कहा है कि इनका जो विनिंग परसेंटेज है, मतलब जो जीतने की जो परसेंटेज है, वो कितनी है, 40। इसके बाद आपको उसने कहा है कि इसने टोटल मैच कितने खेले हैं वो पता करिए। तो अब आपको देखो, टोटल पता नहीं है, तो टोटल पता नहीं है तो मैक्स के अंदर एक रूल है भाई, अगर कुछ पता नहीं होता तो उसको एक्स मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ जो टोटल मैच है ना, वो कितना है, एक्स परसेंट, सॉरी एक्स मैच, लेट टोटल मैच बी एक्स, माना कुल मैच बराबर एक्स। अब इसके बाद आपके पास एक चीज और दे रखा है, आपको दे रखा है विन परसेंटेज कितना है, 40। इसके अलावा एक और दे रखा है आपको कि विन मैच, कितने मैच विन किए, कितने जीते भाई, 10, तो आपको ये भी दे रखा है। तो एक बात बताओ, आपको विनिंग परसेंटेज दे रखा है, विनिंग मैच दे रखा है, जीतने वाले मैच की परसेंटेज दे रखी है, और जीतने वाले मैच की संख्या दे रखी है आपको। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस टोटल का 40% निकालूं, तो क्या विनिंग मैच निकलेंगे, नहीं निकलेंगे? तो बस कुछ भी नहीं करना आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार आपको ये जो नंबर दे रखा है ना, उसका क्या निकाल लो, 40%। और जब इसका 40% निकालोगे तो वो जीते हुए मैच के बराबर आएगा, क्योंकि जीते हुए मैच की परसेंट है, और जीते हुए मैच कितने हैं, 10। ये इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर परसेंट हटाते हैं, अभी बताया क्या लगाते हैं, 100, इसके अलावा इक्वल में 10। क्या 0 से 0 कट गया? हाँ भाई कट गया। अब देखो यहाँ पर एक्स इंटू 4/10 बचा, और इक्वल में क्या बच रहा है, 10। अब एक बात बताओ, आप यहाँ से x को निकालोगे तो इसके मारोगे लात,
और नीचे वाला तो जाएगा ऊपर और ऊपर वाला जाएगा नीचे, तो मतलब 10 के पास ये वाला 10 ऊपर चला जाएगा और इसके बाद क्या होगा, ये जो नंबर है ना 4 वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। एक बार बताओगे क्या 2 से 4 कट जाता है और 2 से ये कट जाता है, क्या 2 से ये कट जाता है और 2 से ये भी कट जाता है, तो x जो है भाई वो कितना मिलेगा, 5 × 5 मतलब 25। तो एक बात बताओगे ये x किसको माना था, x माना था टोटल नंबर ऑफ मैच को, तो टोटल नंबर ऑफ मैच कितना आ गए 25, यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। ओके एक और क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका वो आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या देख लेते हैं एक बार। इसमें बोला है इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी हाउ मच डिड शी हैव इन बिगिनिंग, मतलब आपके पास बोला है चमेली जो है उसके पास 600 रुपीज बचते हैं किस कंडीशन में, जब वो 75 रुपीज किस में परसेंटेज में दे रखा है उसे खर्च कर देती है, तो स्टार्टिंग में उसके पास क्या मनी था वो निकालना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में शायद जो स्टार्टिंग वाला जो मनी था मतलब टोटल मनी एक तरह से, उसको क्या किया था, जब भी कुछ पता नहीं होता मैक्स में आप जानते हो, जैसे पहले क्वेश्चन में किया क्या मान लिया उसे एक्स मान लिया, तो यहाँ पर भी उस जो टोटल मनी था उसको क्या ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं। तो लेट जो टोटल मनी है उसको ले लेते हैं एक्स, इसके अलावा और क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो भी लिख लेते हैं, यहाँ दे रखा है आपको जो आपके पास स्पेंडिंग मनी है, लेकिन मनी नहीं दे रखी भाई, आपको दे रखा है स्पेंडिंग परसेंटेज मनी, मतलब परसेंटेज में दे रखा है ना कि टोटल मनी में दे रखा है, अगर उसमें देता तो काम ही ईजी हो जाता, कितना है 75%। इसके अलावा उसके पास जब ये खर्च करा ना उसने 75%, तो उसके पास कितने बचे वो भी दे रखा है, तो मतलब आपके पास एक और चीज दे रखा है लेफ्ट मनी, कितना बचा है उसके पास, वो बचा है 600 रुपीज। ठीक है अब यहाँ देखो करना क्या है, यहाँ पर एक बात बताइए क्या इक्वेशन बना सकते हो आप, हाँ बना सकते हैं, कैसे, आपके पास ये जो टोटल मनी है ना उसमें से 75% को अगर आप माइनस कर दो तो जो बचा हुआ है उसके बराबर आएगा नहीं आएगा, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, टोटल में से 75% माइनस कर दो तो 600 के इक्वल आ जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपके पास 600 बचा हुआ है, ये लो 600 बचा हुआ है, अब ये इक्वल है किसके इक्वल है, जो आपके पास टोटल मनी है ना उसमें से माइनस कर दो किसको 75% को, अब ये 75% जो है वो निकालोगे किसका, किसका निकालोगे, किस मनी में से खर्च हुआ टोटल मनी में से, तो x, ठीक है। अब यहाँ देखो ये x ऐसा कैसा माइनस ऐसा कैसा 75% ऐसा कैसा, एक बात बताओ परसेंट हटाते हैं तो अपॉन में क्या लगता है 100 और इनटू में क्या चल रहा है x इक्वल टू 600। अब एक बात बताओगे क्या 25 से ये 3 टाइम कट जाता है और 25 से कितनी बार कट जाता है 4 टाइम, तो यहाँ पर जो आपके पास बचा है वो बचा है x माइनस 3/4 और x साथ में और इक्वल में 600। अब ये अपॉन वाला नंबर और एक बिना अपॉन वाला है, तो इसको कैसे माइनस करें, इसको माइनस करने के लिए एलसीएम लिया जाता है, तो इनका एलसीएम आएगा 4 और जिसके नीचे जब कुछ नंबर नहीं हो तो डायरेक्ट इस नंबर को इधर इंटू कर दो बस, तो 4x और ये ऐसा कैसा लिख दो, तो ये एलसीएम हो जाएगा और ये 600, 4 में से 3 माइनस किया तो कितना बचेगा 1x अपॉन 4। अब एक बात बताओ 1 कभी नहीं लिखते अल्फाबेट के साथ, तो 1 को हटा दिया, इक्वल में क्या चल रहा है 600, तो x को जब आप निकालोगे तो 600 इंटू 4 कर दोगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे आप तो इसको सोल्व करने पर आएगा आपके पास 2400 और यही क्या है जो स्टार्टिंग में जो उसके पास मनी थी ना वही है, क्योंकि एक्स अपने के लिए जो टोटल मनी थी वो। तो इस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चन किए, अच्छी वीडियो में बस इतना ही, बाकी का क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जब तक के लिए मेरी वीडियो को देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए, अगर और पसंद आए तो मेरे चैनल को दूसरों से सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।